अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। पेशे खिदमत है, अमावस की रात लास्ट एपिसोड मोहन वापस आया तो इसकी साबिका सेक्रेटरी रेवती ने ब्रांच ऑफिस में इसका इस्तकबाल किया। उधेड़ उम्र की रेवती मौजूदा हालात में इसे कुदरत की तरफ से तोहफा मालूम हुई। अब आपके ससुर की तबीयत कैसी है, रेवती ने पूछा। बहुत बेहतर है, किसी को इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर अब खतरा टल गया है, मोहन ने जवाब दिया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। और आपकी पत्नी कैसी है? वो मेरे साथ वापस आ गई है। अब उनकी बड़ी बहन अपने बाप के साथ है। कल जसवंत सिंह की सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया था कि अब मुझे यहाँ काम करना है। बेचारा बाप, इसे अपनी बेटी पर बड़ा फख्र था। मुझे उम्मीद है इसका कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। जसवंत सिंह ने 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। कोई ना कोई तो आगे बढ़कर ये इनाम हासिल करने की कोशिश करेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। मोहन अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आप जरा सारी फाइलें देखकर समझने की कोशिश करो। इतवार किसी खौफनाक ख्वाब की तरह गुजरा था। इसने गंगोली के कत्ल की खबर अखबार में पढ़ी थी और इत्मीनान महसूस किया था कि ब्लैकमेलिंग के हिसाब से जान छूट गई। बाद में इसने कुलदीप कौर के कत्ल की खबर सुनी। इस खबर ने इसे हिला दिया था और वो अपनी साली से लड़ ही बैठा था जब इसने कहा था कि वो इसी की मुस्तहिक थी। हिप्पी कॉलोनी के करीब कैबिन में अकेली रहती थी। मुझे कोई ताज्जुब ना होगा कि आवारा लड़की एक फाइशा की जिंदगी बसर कर रही हो। फिर मोहन ने पुरसी के ख्याल से इसके बाप को फोन किया, मगर रब्ता ना हो सका। अलबत्ता इसकी सेक्रेटरी ने शुक्रिया अदा करते हुए इसे पीर के दिन ऑफिस पहुंचने की हिदायत की और इसे ये भी बताया कि इसकी सेक्रेटरी रेवती होगी। दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी शोभा को फोन करके जल्द अज जल्द ड्यूटी पर आने के लिए कहा। चूँकि ससुर की हालत बहुत बेहतर थी, इसलिए दोनों मियाँ बीवी साथ वापस आ गए। जब वो हवाई जहाज में सफर कर रहे थे तब गुमशुदा बटन का मुअम्मा हल हो गया। शोभा अपने पर्स में लिपस्टिक देख रही थी कि इसे बटन नजर आ गया। ये देखो, तुम्हारा बटन मिल गया, वो बोली। मोहन को अपना खौफ याद आया कि कुलदीप कौर ने किस तरह दूसरा बटन ला कर दिया था। याद आया कि वो इस वक्त शराब के नशे में धुत था। याद आया कि वो किस तरह कुलदीप कौर को ख्वाबगाह में ले गया था। ये सब कुछ याद आया तो मोहन को अपने होंठों पर जवाबी मुस्कुराहट से जाने में बड़ी मुश्किल पेश आई। अब इसने अपने दफ्तर में बैठे हुए दोबारा इस इतवार के वाकयात का जायजा लिया। कुलदीप कौर मर चुकी थी, गंगोली मर चुका था। अपनी शादीशुदा जिंदगी की पहली लर्जिश एक गुजरी याद बन गई थी। इसने दिल ही दिल में कसम खाई थी कि अब आइंदा हरगिज ऐसा नहीं होगा। शहर के दूसरे हिस्से में रामदास ने अपनी गाड़ी अंत गुप्ता की आर्ट गैलरी के सामने पार्क की और दुकान में दाखिल हुआ तो मुरली से मुलाकात हुई। तो वो अपने जर्द चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा हुआ था। अंत गुप्ता आपका इंतजार कर रही है, मुरली ने कहा। अपने कमरे में अंत गुप्ता ने एहतराम के मस्नूई मुजाहरे के साथ कुर्सी से उठकर रामदास से हाथ मिलाया, मगर रामदास का मूड बिगड़ा हुआ था। इसने फैले हुए हाथ को नजरअंदाज कर दिया। आपने अपने स्टाफ से पूछा, इसने सवाल किया। तशरीफ रखिए मिस्टर रामदास, अंत गुप्ता की मुस्कुराहट काफूर हो गई। हम ये गुफ्तगू शरीफाना अंदाज में करेंगे। पहले आप ये समझ लें कि मुझे अपने गाहकों का तहफ्फुज करना पड़ता है। आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इस तस्वीर का मुसव्विर कौन है। पुलिस की जानिब से ये सवाल दुरुस्त है, मगर इस मुसव्विर ने मुझसे वादा लिया है कि मैं किसी को इसका नाम नहीं बताऊंगा। कई आर्टिस्ट गुमनाम रहना पसंद करते हैं। मुमकिन है ये बात आपको अजीब मालूम हो, मगर मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा होता है। कोई आप जानते हैं कि वो कौन है, रामदास ने इसे घूरा। इसने अपनी विग उतारी और इसे यूं देखने लगा जैसे इसे कोई जू नजर आने की तवक्को हो, फिर दोबारा सर पर रख ली। हाँ मिस्टर रामदास, मैं इसका नाम जानता हूँ। वो अपनी कुर्सी पर कुछ आगे की जानिब झुका। अगर आप ये वजाहत कर सकोगे कि आप क्यों ये ख्याल करते हो कि इस आर्टिस्ट का इन कत्ल की वारदातों से कोई ताल्लुक है, और फिर मुझे मुतमईन कर दो कि आपके पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद है, तब मैं आपको इसका नाम बता दूंगा। रामदास ने अपनी कुर्सी पर पहलू बदला। वो इस मोटे आदमी को कैसे बताए कि वो बूढ़ी औरत आशा देवी कौन है और इसने क्या पेशगोई की है। वो ये बात एसपी मुखर्जी को भी नहीं बता सकता। सुर्ख चांद, काला आसमान और नारंगी साहिले समंदर। रामदास की हिचकिचाहट देखकर इसने तेजी दिखाई। शायद ये बेहतर होगा कि आपकी बजाय एसपी मुखर्जी मुझसे बात करें, क्योंकि मैंने इन्हें हमेशा मामला फहम पाया है, वो बोला। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने चीफ से बात करें और फिर वो मुनासिब समझे इजाजत दें तो मेरे पास आए। ये महसूस करते हुए अंत गुप्ता की इस बात का इसके पास कोई जवाब नहीं है, वो उठ खड़ा हुआ। तुम किसी वजह से मुझे कोई बात बताना नहीं चाहते, इसने गुस्से से कहा, लेकिन एक बात याद रखो, तुम पर मुसीबत आई तो बहुत हकीकी होगी। वो इतना कहकर तेज कदम उठाता हुआ दुकान से बाहर निकल गया।
मुरली जो तमाम बातें सुनता रहा था अंदर आया। तुमने देखा, ये अहमद पुलिस वाला हमें ब्लफ कर रहा था। रात 10 बजे मोहन ने तमाम काम निपटा दिया, फोन पर अपने सेल्स डायरेक्टर से भी बात कर ली। फैसला कर लिया था कि अब वो नए ग्राहकों की तलाश में निकलेगा। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो रहा था कि रेवती ने इसे आकर बताया, रात 10 बजे मोहन ने तमाम काम निपटा दिया, फोन पर अपने सेल्स डायरेक्टर से भी बात कर ली और फैसला कर लिया अब वो नए ग्राहकों की तलाश में निकलेगा। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो रहा था कि रेवती ने इसे आकर बताया कि इंस्पेक्टर रामदास सुराग रसा इसे मिलना चाहता है। इसकी इजाजत पर रामदास कमरे में आया तो चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। हेलो मिस्टर मोहन, उसने कहा, मैं आपकी जैकेट ले आया हूँ। शुक्रिया, मोहन जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। उम्मीद है कि अब आपको कोई और सवाल तो करना नहीं होगा। रामदास ने जैकेट मेज पर रख बटनों का इजाफी सेट जैकेट की जेब में रखा है, इसने बताया। शुक्रिया, आपको बार बार जहमत देने पर माजरत ख्वाह हूँ, रामदास ने कहा। इस बात का कुछ ख्याल ना करना। कोई बात नहीं, मोहन ने कहा, आपने अपनी ड्यूटी अंजाम दी और फर्ज शनासी का सबूत दिया। कुलदीप कौर की मौत की खबर सुनकर आपने गहरा सदमा महसूस किया होगा, रामदास ने कहा। जी हाँ, मोहन ने जवाब दिया। क्या आप सिर्फ जैकेट वापस करने आए थे या कुछ और भी काम है? मेरी गैर हाजिरी में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, इसे पहली फुर्सत में निपटाना भी है, शायद रात हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप कुछ मदद कर सकें, रामदास ने कहा। क्या स्वरूप कुमार का नाम आपके लिए कोई अहमियत रखता है? बेशक, वो हमारे ग्राहक थे, मोहन ने कदरे चौंकते हुए जवाब दिया। वो तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, क्या उन्होंने आपके कारपोरेशन से इंश्योरेंस कराई थी? रामदास ने सवाल किया। जी हाँ, मैंने बताया ना कि हमारे बड़े ग्राहकों में से थे, मोहन ने जवाब दिया। क्या इनके बाद इनकी बेवा ने इनकी पॉलिसी को जारी रखा था या पॉलिसी खत्म कर दी थी? इस पॉलिसी की तजदीद आज खुद हो जाती है अगर इसका क्लेम दाखिल ना किया जाए। इनका एक बेटा भी है, रामदास बोला। क्या आप इससे वाकिफ हैं? मेरा इससे कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, मोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। ना ही मैंने कभी इसे देखा है, लेकिन इन सवालों का क्या मकसद है? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ। मैं भी वजाहत करता हूँ मिस्टर मोहन, रामदास ने जवाब दिया। फिर इसने कदरे ताकुफ के बाद कहा, हमें गोल्फ की गेंद जैसा एक बटन मुकामे वारदात पर मिला था। हमने मालूम किया कि शहर में इस जैसे बटनों वाली 4 जैकेट्स फरोख्त की गई हैं। हमने आपकी जैकेट्स में 3 जैकेटों के बारे में चेक कर लिया कि किसी का भी रोशी के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। बेवा स्वरूप कुमार ने हमें बताया कि 4th जैकेट इसके पति के दूसरे पुराने कपड़ों के साथ रिफाही इदारे को दे दी गई। हमने इस जैकेट का सुराग लगाने की कोशिश की, रिफाही इदारे से पता चला कि इन्हें ऐसी कोई जैकेट नहीं मिली। चुनाचे अब हम सोच रहे हैं कि बेवा स्वरूप कुमार ने हमसे झूठ तो नहीं बोला था, कहीं इसके पुरिसरार बेटे ने बाप की जैकेट तो नहीं रख ली थी और रोशी के कत्ल वाले दिन इसे पहने हुए था। हमें एक आदमी का हुलिया मालूम हुआ है जिसे रोशी के कत्ल के रोज जैकेट पहने हुए देखा गया था। हमें बताया गया है कि इस आदमी का कद लंबा है, बाल गंदुमी रंग के हैं और वो गोसी जूते इस्तेमाल करता है। हमें मजीद मालूम हुआ कि वो आर्टिस्ट भी है और तस्वीरें बनाता है। ये आदमी न सिर्फ रोशी गंगोली बल्कि कुलदीप कौर का भी कातिल है। क्या अब भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ, मगर इन बातों का मुझसे क्या ताल्लुक है, मोहन ने उलझ कर कहा। ये जो कुछ मैंने आपको बताया है वो मेरा अंदाजा है। हमें यकीनी तौर पर मालूम नहीं कि स्वरूप कुमार का बेटा ही वो आदमी है जिसकी हमें तलाश है। इसी स्वरूप कुमार इस शहर में बड़े असर रसूख की मालिक है, मेयर से इसके बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। हम यकीनी तौर पर मालूम करना चाहते हैं कि इसका बेटा आर्टिस्ट है, कद लंबा और बाल गंदुमी रंग के हैं और वो गोसी जूते पहनता है। अगर इन बातों की तस्दीक हो जाए तो हम तभी इसके बेटे से पूछताछ कर सकते हैं, वरना नहीं। मेरा ख्याल ये है कि इसका एक नहायत आसान तरीका ये है, मोहन ने कहा। आप मिसेस स्वरूप कुमार से जाकर मिले और इनसे कहें कि इनका बेटा कहाँ है, इससे मिला दें। इसमें क्या बात क्या है? ये बात अगर इतनी आसान होती तो आपका कीमती वक्त हरगिज खराब ना करता, रामदास कहने लगा। मगर ऐसा नहीं है क्योंकि मिसेस स्वरूप कुमार अजीब औरत है। फर्ज करें कि इसके बेटे का इन वारदातों से कोई ताल्लुक ना हो, फर्ज करें कि वो अपने बेटे से बात करने की इजाज़त ना दे और हमसे मुतालबा करें कि हम इसके बेटे से क्यों मिलना चाहते हैं। चुनाचे हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे जो तआवुन चाहता हूँ वो ये है कि क्या आप मिसेस स्वरूप के घर जाकर उसके बेटे से मिल सकते हैं? आप इससे कह सकते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास कीमती तस्वीरें जो हैं, कि आप इन्हें इंश्योरेंस कराना पसंद करेंगे। हमें लाजमी तौर पर मालूम होना चाहिए कि वो आर्टिस्ट है और इसका हुलिया इस शख्स से मिलता है। मैं इस मामले से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता, मोहन ने नफी में सर हिलाया। आप मुझे ये समझाने की कोशिश मत करें कि आप खुद अनूप कुमार से नहीं मिल सकते। आखिर आप मुझे कांटों में क्यों घसीट रहे हैं? मैं बताने की कोशिश करता हूँ, रामदास ने पहलू बदला। मुमकिन है
हम गलती कर रहे हूँ। मुमकिन है हमें जिस कातिल की तलाश है वो अनोप कुमार ना हो। सरोप कुमार खानदान का कानूनी मशीर, इस शहर का माना हुआ वकील है। अगर अनोप कुमार के बारे में हमारा अंदाजा गलत निकला, ये वकील पुलिस पर मुकदमा कर सकता है और करोड़ों का हित के इज्जत का दावा। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप अनोप कुमार को एक नज़र करीब से देख लो। अगर इसका हुलिया कातिल से नहीं मिलता तो बात खत्म हो जाएगी। फिर ये भी हो सकता है कि आप इसे इंश्योरेंस पॉलिसी फरोख्त कर सको, और अगर उसका हुलिया वही है जो हमें कातिल का मालूम हुआ है तब हम इसे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कह दिया ना, मैं इस मामले से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मोहन ने फिर साफ इनकार कर दिया। तब एक शातराना मुस्कुराहट से रामदास ने अपना ट्रंप कार्ड इस्तेमाल किया। आप एक अहम बात भूल रहे हैं मिस्टर मोहन, अगर अनोप कुमार ही कातिल हुआ और हमने तुम्हारी मदद से इसे शिनाख्त कर लिया तो आप इस इनाम के हकदार ठहरोगे, जिसका ऐलान मिस्टर जसवंत सिंह ने किया है, यानी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? मुझे? मोहन का मुंह हैरत से खुल गया। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर? हरगिज नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने अनोप कुमार को इस शख्स की हैसियत से शिनाख्त कर लिया जिसकी हमें तलाश है तो ये इनाम आपको यकीनन मिलेगा। 10 लाख रुपए! जोश की एक लहर मोहन के जिस्म में उतर गई। इतनी बड़ी रकम से वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसके जहन में एक अच्छे रहायशी इलाके में एक शानदार मकान की तस्वीर उभरी। इस मकान को फरोख्त करके इसमें 10 लाख की रकम मिलाकर दूसरा मकान लिया जा सकता है। यह जिंदगी की पूरी आसाइश सहूलतें, शोभा को मुलाजमत की जरूरत नहीं रहेगी। वो भी मुलाजमत तर्क करके कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। इसके तासुरात देखते हुए रामदास ने समझ लिया कि मछली कांटा निगल चुकी है। अगर आप ये कहते हैं कि अनोप कुमार को शिनाख्त करने पर 10 लाख रुपए का इनाम मुझे मिलेगा तो मैं तावन करने को तैयार हूँ। मोहन ने जवाब दिया, आप बताएं कि मुझे क्या करना होगा। रामदास को अंदाजा था कि अगर अनोप कुमार ही कातिल है तो मोहन एक खतरे से दोचार होगा, मगर इसने ये बात जुबान से नहीं कही कि कहीं मोहन खौफजदा होकर पीछे ना हट जाए। लेकिन जाहिर था इसकी हिफाजत करना नहायत जरूरी भी था। मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, वो बोला। रिसीवर उठाकर हेडक्वार्टर का नंबर डायल किया और फिर रंजीत से मिलाने के लिए कहा। चंद लम्हों के बाद इसका रंजीत से राब्ता हो गया। मैं रामदास बोल रहा हूँ, तुमने जो अंदाजा लगाया वो कारगर साबित हो सकता है। अब तुम सिटी इंश्योरेंस कारपोरेशन म्यूरी के जैली ऑफिस पर पहुँचो। मगर मेरे पास बहुत काम है, रंजीत ने कहा। परवाह मत करो, रामदास ने कहा, जल्दी से आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। रामदास ने रिसीवर रख दिया, फिर मुस्कुराते हुए मोहन की तरफ देखा। हम आधे घंटे में रवाना हो जाएंगे और तुम्हें जो कुछ भी करना है वो ये है। मोहन इसकी बातें सुन रहा था मगर इसका जहन 10 लाख रुपए के इनाम के बारे में सोच रहा था। रामदास अपनी गाड़ी में रंजीत के साथ और मोहन अपनी गाड़ी में इसके पीछे आते हुए मंजिल पर पहुंचे। रंजीत बड़ा फिक्रमंद था। ईश्वर करे जो कुछ तुम कर रहे हो और इसे समझ भी रहे हो, रंजीत बोला। हम अपना सर ओखली में दे रहे हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो चीफ हमारी खाल उधेड़ देगा, इसमें भूस भर देगा। आपको इससे इजाजत ले लेनी चाहिए थी। घबराओ मत, तुम भी जानते हो और मैं भी, अगर हम चीफ को बताते तो वो हरगिज इजाजत नहीं देते, जबकि हम दोनों मिलकर इस केस को हल कर सकते हैं। और मोहन, फर्ज करो अनोप कुमार ही कातिल हुआ तब हम क्या करेंगे। ज्यादा जज्बाती और जोश में आने की जरूरत नहीं, रामदास ने इत्मीनान दिलाने के लिए कहा, हालांकि वो खुद भी घबरा रहा था। हम मोहन की हिफाजत करेंगे, मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। क्या मोहन को इस बात का एहसास है कि वो किस खतरे से दोचार है, रंजीत ने कहा। आपने इसे बता दिया है, मोहन को इनाम का लालच है और वो इसीलिए तावन करने पर आमादा हुआ है, रामदास ने इसे बताया। अगरचे वो भी दिल में समझ रहा था कि इसे मोहन को खबरदार कर देना चाहिए था। वो जानता है कि अगर इसने अनोप कुमार को शिनाख्त कर लिया तो इनाम इसको मिलेगा, हट जाएगा तो कैसे मिलेगा, रंजीत ने जवाब दिया। मजीद ये कि आपने इसे जैकेट पहनाकर अच्छा नहीं किया। आप अगर अनोप कुमार ही हमारा मतलूबा आदमी है तो जैकेट देखकर बुखला सकता है, और अगर वो कातिल नहीं है तो इसके लिए जैकेट बेमायनी होगा। नफ्सियाती ज़हनी मरीज थोड़े से दबाव में अपनी कुव्वत मुदाफियत खो बैठती हैं, वो भी जुर्म का इतराफ कर सकता है। बहरहाल 10 लाख रुपए का इनाम हर किसी को यूं ही नहीं मिल जाता। जहाँ तक एहतियात का सवाल है तो मैंने इसे ताकीद कर दी है कि वो किसी भी सूरत घर के अंदर ना जाए, दरवाजे के बाहर खड़ा रहे ताकि हम इसे देखते रहें। वो इस इलाके में पहुँच कर जैसा कि तय हुआ था कि मोहन अपनी गाड़ी अनोप कुमार की विला से 100 गज पहले रोक ले। इसके रोकने के बाद रामदयाल और रंजीत इसके पास आए। जाएं, जाकर अब इतलाई घंटी का बटन दबाएं, रामदास ने कहा, मगर याद रखना विला के अंदर ना जाना। खानसामा से कहना कि मुझे अनोप कुमार से मिलना है, अगर वो आपको अंदर आने के लिए कहे तो जवाब देना कि आपने अपनी गाड़ी गलत जगह खड़ी की है, इसलिए देखते रहना चाहते हो कि कोई चलान तो नहीं करता। फिर ये कि तुम्हें जो बात करना है उसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और जैसा तुम्हें मालूम है तुम्हें सिर्फ अनोप कुमार पर सिर्फ एक नज़र डालना है,
वो खतरनाक भी तो हो सकता है, मोहन ने कुछ सोचते हुए कहा। घबराओ नहीं, रामदास ने इसे दिलासा दिया, घर में खानसामा होगा। मुमकिन है मिसेस सरोग कुमार भी हों, इनकी मौजूदगी में क्या खतरा हो सकता है। यूं भी तुम्हें मकान के अंदर नहीं जाना, दरवाजे पर खड़े रहना जहाँ से हम तुम्हें देख सके। अगर मुझे घर जाना पड़े तो तब तुम ऊपर नहीं जाओगे, रामदास ने तेजी से कहा। अगर अनूप कुमार ही कातिल है तो खानसामा और अपनी माँ की मौजूदगी में कुछ नहीं करेगा, और तुम्हें इनाम भी मिल जाएगा। मजीद ये कि हम तुम्हारी मदद के लिए करीब ही मौजूद होंगे। मोहन उतरकर सरोप विला की तरफ चला। रंजीत और रामदास इसके पीछे पीछे आ रहे थे। मोहन ने रामदास के कहने पर वो जैकेट पहनी हुई थी वो सीढ़ियों पर चढ़ा तो इसने देखा कि रामदास और रंजीत दाएं तरफ झाड़ियों में छुप गए हैं। इसने अतलाई घंटी का बटन दबाया, इधर घंटी बजनी सुनाई दी मगर जवाब में कुछ ना हुआ। बढ़ती हुई धड़कनों के साथ इसने दूसरी मरतबा बटन दबाया, पलट कर देखा तो रंजीत और रामदास नजर नहीं आए। शायद घर में कोई नहीं है, मोहन ने सोचा और इसे कुछ इत्मीनान हुआ, अगरचे साथ में मायूसी का एहसास भी हो रहा था। झाड़ियों में पोशीदा रामदास ने इसे उतरते देखा, फिर वो रुका, पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। वो जहाँ छुपा था वहाँ से सिर्फ दरवाजा ही नजर आता था। इसने मोहन को दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ते देखा, दरवाजा भी खुला नजर आया मगर दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खड़ा था तो वो नजर नहीं आया था। दरवाजा खुलने पर जो पहली चीज मोहन को नजर आई वो गोसी के जूते थे। तब निगाह उठाते हुए इसने खुद को एक तवील कामत नौजवान के सामने पाया जिसके बाल गंदुमी रंग के थे, दराज कद, गंदुमी रंग, गोसी जूते। ये वही आदमी था जिसकी पुलिस को तलाश थी। मोहन के मुंह में खुशकी दौड़ गई। इसका दिल कह रहा था कि वो पलटकर भाग निकले मगर वो बेहिसो हरकत खड़ा रह गया, जिस तरह कोई मेंढक सांप की आंखों से सहरजदा हो जाता है। क्या बात है, अनूप कुमार ने नरम और शायस्ता लहजे में कहा। ना वक्त जहमत देने पर माजरत ख्वाहूं, मोहन ने खुद को संभाला। क्या आप अनूप कुमार हैं? आपने ये जैकेट तो बड़ी अच्छी पहन रखी है, अनूप कुमार ने कहा। मेरे पिताजी के पास भी ऐसी ही एक जैकेट थी। बहरहाल आप क्या चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि मैं आपको इस वक्त बिलावजह जहमत दे रहा हूँ, मोहन ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, इसलिए फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा। वो एक सीढ़ी नीचे उतरा था कि रुक गया। इसे अनूप कुमार के हाथ में एक रिवॉल्वर नजर आया था जिससे इसने मोहन को जद में ले रखा था। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, अनूप कुमार ने सख्त लहजे में कहा। अगर गोली खाना नहीं चाहते तो अंदर आओ, इतना कहकर वो पीछे हट गया। मोहन को रामदास और रंजीत का ख्याल आया जो छुपकर इसे देख रहे थे। रामदास ने इसे ताकीद की थी कि वो घर के अंदर ना जाए मगर रिवॉल्वर को सामने देखकर अंदर जाने के सिवा चारा नहीं रहा था। भारी कदमों से आगे बढ़ते हुए वो लॉबी में आ गया। बहुत अच्छे, अब दरवाजा बंद कर दो, अनूप कुमार ने दूसरा हुक्म दिया। मोहन को वही करना पड़ा जो इससे कहा जा रहा था। अब जीने पर चलो, जंगले का सहारा लेते हुए मोहन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अनूप कुमार इसके पीछे आ रहा था। दाहिनी तरफ घूमकर कमरे के अंदर आ जाओ, मोहन इस कमरे में दाखिल हो गया। बैठ जाओ, अनूप कुमार ने रिवॉल्वर से एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। मोहन ने हुक्म की तामील की। अनूप कुमार अपनी मेज के कोने पर टिक गया। रिवॉल्वर का ख्याल मत करना, अनूप कुमार ने कहा। मुझे अपने अगवा होने का खतरा रहता है इसलिए मोहतात रहता हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम मोहन है, मोहन ने जवाब दिया। मैं सिटी इंश्योरेंस कंपनी का नुमाइंदा हूँ। मैं आपसे इसलिए मिलने आया था कि शायद आप अपनी तस्वीरों की इंश्योरेंस कराना पसंद करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं बिल्कुल बेजरर आदमी हूँ। मेरी तस्वीरों की इंश्योरेंस? अनूप कुमार ने इसे घूरा। आपको इस बात का इल्म कैसे हुआ कि मैं तस्वीरें बनाता हूँ? क्या आपको आंत गुप्ता ने बताया था? मोहन मजीद खौफजदा हो गया। रामदास ने इसे तस्दीक करने के लिए कहा था कि वो मुसव्विर है या नहीं। अब यह हकीकत थी कि इसने मुसव्विर होने का एतराफ कर लिया था। इसका हुलिया भी रामदास के बताए हुए हुलिये से मिलता था तो इस बात में शक नहीं रहा था कि अनूप कुमार ही दीवाना कातिल था जिसने कलदीप कौर को भी कत्ल किया था और अब तक लड़कियों की जितनी पुरस्रार गुमशुदगियां और वहशियाना और बर्बरियत नाक कत्ल की वारदातें हुई इन सब का ये दीवाना कातिल था। मोहन को ऐसा महसूस हुआ कि इसका चेहरा सफेद पड़ता चला जा रहा है। क्या आपको आंत गुप्ता ने बताया था कि मैं तस्वीरें बनाता हूँ? अनूप कुमार ने इसे गौर से देखते हुए कहा। हाँ, इसने कहा था कि आपके पास कुछ कीमती तस्वीरें हैं। मोहन को जान बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा था। वो बेशक बेहद कीमती हैं। अनूप कुमार ने जेब में रिवॉल्वर रख लिया। तो क्या आप हमारी कॉरपोरेशन से इसकी इंश्योरेंस कराना पसंद करेंगे? मोहन ने कदरे इत्मीनान से कहा। मगर इससे पहले इसकी कीमत का तायुन भी तो करना होगा। जरूरी नहीं, आप इन्हें जितना कीमती ख्याल करते हैं वो हमें बता दें, हम इसकी कीमत की बुनियाद पर इंश्योरेंस कर लेंगे। आप शायद इन्हें देखना पसंद करेंगे मिस्टर मोहन, अनूप कुमार खड़ा हो गया। मैं कोई जज नहीं हूँ। मोहन भी उठ खड़ा हुआ। वो यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहता था इसलिए मैं आपका वक्त जाया करना नहीं चाहता। आप जो इनकी कीमत मुनासिब समझते हैं बता देना, इसके हिसाब से प्रीमियम तय कर दिया जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अनूप कुमार ने इसरार किया। मैं एक खास तस्वीर पर काम कर रहा हूँ जो आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ।
और ये कहते हुए इसकी उंगलियां सुलेमान आजम के लॉकेट से खेल रही थी। चूंकि इस वक्त मुझे कहीं और भी जाना है, लिहाजा फिर किसी वक्त आकर देख लूंगा, मोहन बेबसी से बोला। कहे तो कल आ जाऊंगा। मोहन दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर अनूप कुमार ने एक चमकती आंखों से एक जस्ट लगाकर इसका रास्ता रोक लिया। झाड़ियों की आड़ में रंजीत के साथ छुपे हुए रामदास ने मोहन को विला में दाखिल होते हुए देखा। वो अहमक आदमी मना करने के बावजूद अंदर चला गया। रामदास ने गुस्से से कहा, मैंने इसे ताकीद की थी कि वो दरवाजे पर ही रहे, फिर अब हम क्या करें? रंजीत ने पूछा, इतनी देर में दरवाजा भी बंद कर लिया गया, हम क्या कर सकते हैं? रामदास ने जवाब दिया, मुमकिन है दरवाजा मिसेस रोप कुमार ने खोला, खानसामा ने खोला हो, या फिर अनूप कुमार ही होगा। रंजीत ने परेशानी से कहा, हमें फौरी तौर पर कुछ न कुछ करना होगा। मुझे अंदेशा है कि कहीं मामला बिगड़ न जाए। फर्ज करो अनूप कुमार ही कातिल हो और मोहन को भी हिलाक कर दे। रंजीत ने खौफ जाहिर किया, हमें इसलिए फौरी तौर पर कोई न कोई कदम उठाना होगा। मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ, तुम घबराओ मत, मैं इसे संभाल लूंगा। रामदास ने इसे तसल्ली दी और खड़ा हो गया। फिर वो रिवॉल्वर निकाल कर बोला, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं एक फायर कर दूंगा, इसे सुनते ही तुम चले आना। तुम्हारे जहन में क्या है? मैं इसे कहूंगा कि मैं जैकेट के बारे में मजीद तहकीकात करने आया हूँ। रामदास ने रिवॉल्वर वापस होलिस्टर में रख लिया, मगर इस तरह से कि जरूरत पड़ने पर फौरन ही निकाल सके। फिर इसने दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। जैसे अनूप कुमार मोहन के सामने रुका, मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बजी। इस आवाज ने इसे चौंका दिया। इसने मोहन को कदरे फासले पर रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर इसने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया, लेकिन मोहन इसकी नजरों की गिरफ्त में था। हेलो, कौन है? अनूप कुमार ने स्पार्ट लहजे में पूछा। मैं हवलदार नारायण बोल रहा हूँ, हेडक्वार्टर से। क्या मिस्टर अनूप कुमार बात कर रहे हैं? क्या बात है, किस लिए जहमत की? आप फौरन जे अस्पताल पहुंचे। मिस्टर अनूप कुमार, नारायण की आवाज़ आई, एक अफसोसनाक हादसा हो गया है। क्या मेरी माता जी का? जी हाँ, इनकी गाड़ी एक तेज रफ्तार ट्रक से बेकाबू होकर टकरा गई। क्या वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई हैं? अनूप कुमार ने इश्तियाक से दरियाफ्त किया। मुझे अफसोस है कि अस्पताल ले जाते वक्त वो दम तोड़ गई। एक अजीब सफाकाना मुस्कुराहट जिसे देखकर मोहन के जिस्म पर झुरझुरी सी आ गई, जो अनूप कुमार के होंठों पर उभरी थी। इतला देने का शुक्रिया, मेरे वकील अशोक मेहता को फोन कर दो, वो जरूरी इंतजाम कर देगा। इतना कहकर इसने रिसीवर रख दिया और मोहन की तरफ देखकर मुस्कुराया। अभी मुझे बहुत जल्द अच्छी खबर मिली है मिस्टर मोहन। मेरी माँ एक हादसे में मरकर न सिर्फ खुद इस दुनिया से निजात पा गई, बल्कि मैं भी इससे निजात पा गया हूँ। अब मैं चलता हूँ। मोहन उठ खड़ा हुआ, लेकिन पहले मेरी शाहकार तस्वीर तो देख लो, अनूप कुमार ने कहा। आप कुलदीप को और जसवत को जानते होंगे, मैं इसका एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, अगरचे अभी वो नामुकम्मल है, फिर भी इसके मुतालिक आपकी ग्रां कदर राय जानना चाहूंगा। प्लीज आप मुझे जाने की इजाज़त दें, मेरा जाना अशद जरूरी है। मोहन के जहन में इस जगह से भाग निकलने के सिवा कोई और ख्याल नहीं था। मैं आपसे नाराज होना नहीं चाहता। अनूप कुमार की मुस्कुराहट बड़ी संग दिलाना थी और वो बराबर लॉकेट को छू रहा था। और जो लोग मुझे नाराज करते हैं, मैं इनके हक में बहुत बुरा साबित होता हूँ। इसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, वो मेरा स्टूडियो है, आगे बढ़े, अनूप कुमार ने कहा। अनूप कुमार को गौर से देखते हुए मोहन समझ रहा था कि वो एक बहुत बड़े खतरे से दोचार है। वो स्टूडियो के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस वक्त इतलाई घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। इसने रुककर जल्दी से अनूप कुमार की तरफ देखा। ये जरूर रामदास होगा, इसने सोचा। ये कौन हो सकता है? अनूप कुमार ने जैसे खुद से कहा, मगर परवाह नहीं, जो भी होगा अंदर नहीं आ सकता। हाँ तो मिस्टर मोहन आओ, मैं आपको इस जनाल और फाइशा और तवाइफ की तस्वीर दिखाऊं। फिर घंटी बजी। जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ वो करो। वो मोहन को तजब्जुब में देखकर धाड़ा। इसके चेहरे पर दरिंदगी के तासरात देखकर मोहन डर गया। इधर जब रामदास ने देखा कि घंटी के जवाब में कोई बाहर नहीं आया है, तो वह रंजीत की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। दरवाजा तोड़ देते हैं, रंजीत ने राय दी, जब तक हमारे पास सर्च वारंट ना हो हम ऐसा नहीं कर सकते, रामदास ने जवाब देकर फिर घंटी का बटन दबाया। दूसरे लम्हे दरवाजा खुल गया। इनके सामने एक भरपूर भरे भरे बदन की काली जवान साल औरत खड़ी थी। वो बेहद पुरशबाब गुदास बदन की थी। इन दोनों को रूपा अशोक काल गर्ल याद आ गई। एक क्यामत थी। हैरत की बात ये थी कि इसका चेहरा खौफ से सता हुआ था और इसकी आंखें दहशत से फटी फटी थी। इसने होंठों पर उंगली रखकर रामदास और रंजीत को खामोश रहने का इशारा किया और फिर एक तेजी से पीछे हटी। इसकी ये कैफियत देखकर दोनों ने रिवॉल्वर निकाल लिए। औरत ने चाकू से वार करने की हरकत का मुजाहरा किया और राहदारी में एक दरवाजे की तरफ उंगली उठाई। रंजीत को औरत के पास ठहरने के लिए कहकर रामदास ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया और इसकी नजरों ने जो मंजर देखा, इसे देखकर इसकी सांसें रुक गईं। बिस्तर पर एक लाश इस तरह बिगड़ी हुई पड़ी थी जैसे किसी दरिंदे ने निशाना बनाया हो। फिर इसने शिनाख्त कर लिया कि ये लाश मिसेस रोप के खानसामा की है। इसने देखा
कि रामदयाल हर तरह की तिब्बी इमदाद से बेनियाज हो चुका है। इसके जहन में फौरन मोहन का ख्याल आया, वो कहाँ था। उमा ने सरगोशी किसी आवाज निकाली और रामदास का हाथ पकड़कर जीने की तरफ इशारा किया, फिर हैरत अंगेज फुर्ती और ताकत के साथ रंजीत को धक्का देकर विला से भाग गई। इसके हाथ में एक पर्स था, वो इसमें शायद रकम ले गई थी। रामदास और रंजीत सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। स्टूडियो के खुले दरवाजे से अनूप कुमार की आवाज आ रही थी। इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है मोहन, क्या मैं इस तस्वीर में कुलदीप कौर की मुशाबहत पैदा कर सका हूँ। मोहन कुलदीप कौर को इस तस्वीर को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, जिसे अनूप कुमार ने हाथ में उठा रखा था। इसकी नजरें गंगोली के कटे सर की तस्वीर, रोशी की तस्वीर और शांति स्वरूप की तस्वीर को बार बार घूर रही थी, मगर अनूप कुमार ने तकरीबन जबरदस्ती इसका सर कुलदीप कौर की तस्वीर की जानिब मोड़ दिया। क्या आप मेरे इस शाहकार के बारे में कोई राय नहीं देंगे, इसने पूछा। रामदास ने रंजीत को इशारा किया, वो तेजी से आगे बढ़ा और दरवाजे को जोर से धक्का देकर तड़कते लहजे में बोला, पुलिस चुपचाप खड़े रहो। और फिर इसने अनूप कुमार को रिवॉल्वर की जद में ले लिया। मोहन ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ हट गया। इसकी जेब में रिवॉल्वर है, इसने सरगोशी में बताया। अनूप कुमार बिल्कुल पुरसकून नजर आ रहा था। इसने खुद सुपुर्दगी के तौर पर अपने हाथ सर से ऊपर उठा लिए। तुम्हें उमा ने अंदर आने का मौका दिया है, वो बोला, मेरी हमाकत थी, मैं इसे भूल गया। बेशक मेरी जेब में रिवॉल्वर है, लेकिन वो मेरे पिताजी का है। रंजीत इसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लो। रंजीत पुश की जानिब से इसकी तरह बढ़ा। रामदास बदस्तूर इसे रिवॉल्वर की जद में लिए रहा। रंजीत ने पल भर में रिवॉल्वर निकाल लिया और एक तरफ तेजी से हट गया। अनूप कुमार के होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट खेल रही थी। तुम लोगों की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, इसने बारी बारी तीनों को देखते हुए कहा। मुझसे सौदा कर लो, मैं तुम तीनों को फीकस 3-3 लाख की पेशकश करता हूँ। इन्हें लो और सब कुछ भूल जाओ, क्या कहते हो। दौलत से तुम कुछ नहीं खरीद सकते, रामदास ने कहा। तुम अपने हसरतनाक इंजाम तक आ पहुँचे हो, अगर मैं इसमें 1-1 लाख का इजाफा कर दूं। अनूप कुमार मुस्कुरा कर बोला, हेडक्वार्टर SP मुखर्जी को फोन कर दो, रामदास ने अनूप कुमार पर नजरें जुमाते हुए कहा। रंजीत फोन की तरफ बढ़ा तो अनूप ने अपनी तस्वीरों की तरफ इशारा किया। मेरे फन के बारे में क्या कहते हो, शायद वो लोग जो मॉडर्न आर्ट के कायल नहीं ये समझेंगे मैं पागल हूँ, मगर आपकी क्या राय है। रामदास ने एक नज़र से तस्वीरों का जायजा लिया और फिर जो कुछ इसे नजर आया इसे देखकर इस कदर हैरान और खौफजदा हुआ कि पल भर में वो अनूप कुमार को भूल गया। जब इसे एहसास हुआ वो इसके करीब पहुँच चुका था। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, रामदास हैजानी लहजे में चीखा, उससे डरो नहीं। अनूप कुमार ने सफाक चमकती आंखों से कहा, मैं गैर मुसल्ला हूँ। बदस्तूर मुस्कुराते हुए इसकी उंगली ने हीरे का नख दुबाया और सुलेमान आजम के खंजर से रामदास पर हमला कर दिया और वो तेज खंजर रामदास के बदन में उतरा और इसने अनूप कुमार को शूट कर दिया। 2 दिन बाद रंजीत JJ अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ, जहाँ रामदास अफसुरदा सा लेटा हुआ था। अब आपकी तबीयत कैसी है, इसने पूछा, बाहर क्या हो रहा है और मुझे यहाँ क्यों रखा गया है। रामदास ने जवाब देकर पूछा, जसवंत सिंह का इसरार था कि आपके साथ VIP सलूक किया जाए, तमाम अखराजात वो खुद अदा कर रहा है। आप हीरो बन गए हैं रामदास, रंजीत मुस्कुराया। अब आपकी तबीयत कैसी है। मैं मरूंगा नहीं, अगरचे इस खूनी शैतान ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी, रामदास बोला। आपने इसे भी खत्म कर दिया, प्रेस इंटरव्यू के लिए बेताब है, सुरेंद्र कपूर आपको TV पर लाने के लिए शोर मचा रहा है। और चीफ, रामदास ने खुश होकर पूछा, इन्हें मैंने संभाल लिया है, मैंने इन्हें बताया कि मैं और आप जैकेट के बारे में मजीद तहकीकात के लिए कुमार विला गए थे तो वो मोहन को कत्ल करने वाला था। मोहन का बयान है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी फरोख्त करने गया था। अनूप कुमार को दीवाने कातिल के तौर पर पहचान लिया था। कोई उलझन पेश नहीं आएगी, बस अब आप जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। हमारे तमाम साथी आपको एक जबरदस्त पार्टी देना चाहते हैं। मैं चीफ से सिफारिश करूंगा कि तुम्हारा ग्रेड बढ़ाया जाए, रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने बड़ी जहानत से मेरी मदद की, ये फैसला पहले ही कर लिया गया है, रंजीत ने हंसते हुए कहा। अब मैं भी इंस्पेक्टर बन जाऊंगा और मोहन इसे इनाम दिया जा रहा है जिसका वो हर तरह से मुस्तैक है, वो भी आपको पार्टी देना चाहता है। रंजीत दरवाजे की तरफ चला, रीमा बाहर इंतजार कर रही है। दूसरे लम्हे रीमा एक फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए खड़ी थी। हेलो डार्लिंग, इसने बड़ी मीठी आवाज में कहा, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि खाने को जी चाहता है। बेकार बातें मत करो, लोग कह रहे हैं कि तुम मरते मरते बचे हो। तो क्या हुआ, मरा तो नहीं। अखबार तुम्हारे नाम की सुर्खियां लगा रहे हैं, तुम TV पर आओगे, मुझे तुम पर बड़ा नाज है, मगर ये बताओ कि इन 3 सुरागों से तुम्हें कोई मदद मिली थी। रामदास को तामुल सा हुआ, फिर इसने सोचा कि एक झूठ इसकी कई बोतलें बचा सकता है। अरे वो आशा देवी शराबी औरत, इसने आज तक कोई होश की बात की है। इसके सुराग
इतने ही मुफीद थे जितना एक खोपड़ी में गोली का सुराख। दरवाजा अंदर से मुकफिल कर दो ताकि मैं तुम पर साबित कर सकूं कि इतना जख्मी नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। रीमा सुर्ख हो गई, फिर वो जाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, वापिस आकर इसके चेहरे पर झुक गई।